पाला में बाढ़ और भारी बरसात के बाद भी अब की बार धान की बंपर पैदावार हुई है। अनाज मंडियों में धान की फसल लगभग आ चुकी है। हालांकि धान की सरकारी खरीद अभी भी 15 नवंबर तक जारी रहेगी। अगर बात करें अंबाला कैंट की अनाज मंडी में, धान की आवक 3,37,120 क्विंटल हुई। अनाज मंडी सचिव नीरज भारद्वाज ने बताया कि अभी तक 5,614 गेट पास बने हैं, वहीं लगभग 98% किसानों की पेमेंट भी हो चुकी है। अनाज मंडी अंबाला छावनी में अभी तक 3,34,120 क्विंटल की आवक हो चुकी है, जिसमें टोटल 5,514 गेट पास कटे हैं और इसमें से अभी तक 3,31,722 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और जो उठान हो चुका है वो 3,27,781 क्विंटल का हो चुका है। हाँ, पिछली बार 3,45,000 क्विंटल की अराइवल हुई थी, जबकि इस बार उससे कम रहा है। 3,34,120 क्विंटल अभी तक आ चुकी है, तो थोड़ी बहुत और आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि शायद 3,36,37 तक ये आंकड़ा सिमट जाए। किसानों की पेमेंट भी लगभग जो खरीद हो चुकी है उसकी 98% जो है फार्मर की पेमेंट वो प्रोसीड हो चुकी है। आज तक मेरे पास तो किसी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है कि इसमें फार्मर ने आके मेरी कंप्लेंट करी होगी, वो असंतुष्ट है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये व्यवस्था बिल्कुल से जो हमारे द्वारा जो सुविधाएं दी गई थी वो पर्याप्त थी और किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना अनाज मंडी अंबाला छावनी में नहीं करना पड़ा। आपको बता दें कि अंबाला कैंट की अनाज मंडी में धान की फसल लगभग पिछले साल के बराबर आई है, जबकि अंबाला के नारायणगढ़ में धान की फसल पिछले साल के मुकाबले 2,00,000 क्विंटल ज्यादा आई। लगभग जितनी धान की फसल अनाज मंडी में आई है वो सब बिक चुकी है। किसानों की पेमेंट भी समय पे हो गई है और किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।